बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं सत्र न्यूज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक केस। सिंध और पंजाब में हुंडी हवाला के जरिए 26 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। रिपोर्ट पेश, समाप्त एक माह मुलतवी। बिलावल जरदारी का जहाज हादसे से बाल बाल बच गया। बेंजीर एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर तैयारा रनवे से फिसल गया, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बिलावल जरदारी हाउस चले गए। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का वक्त करीब, धड़ाधड़ केस निपटाने लगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस निपटा दिया, मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बड़ी आबादी केस की भी समाप्त, सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट जमा करवा दी, अदालत कल फैसला सुनाएगी। मानसेहरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी, बच्चे सर्दी की लपेट में आ गए। नमूनिया वबा फूट पड़ी, 7 बच्चे ठिठर कर जां बहक। चंद दिनों में नमूनिया के 1000 केसेस सामने आ गए। फखरे पाकिस्तान आरफा करीम को बिछड़े 7 बरस बीत गए। 7 बरस की उम्र में दुनिया की कम तरीन माइक्रोसॉफ्टवेयर सर्टिफाइड का एजाज हासिल किया। आरफा करीम जो मुरझा गई, मगर उसकी खुशबू आज भी दिलो दिमाग में महक रही है। मुल्तान पाकिस्तान स्टेट ऑयल का बहावलपुर बाईपास पर ऑयल से भरा टैंकर स्कूल वैन को बचाते हुए उलट गया। टैंकर से ऑयल रोड पर बह गया। रेस्क्यू 1122, पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और सिविल डिफेंस के अमले ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मजीद हादसा से बचने के लिए बहावलपुर मुल्तान रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। नजर डालते हैं मौसम पर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खुश्क और ठंडी हवाओं का राज। खून जमा देने वाली सर्दी से आवाम की मामूलाती जिंदगी मुतासिर। मुतद्दिद मकामात पर बंद सड़क अब तक ना खोली जा सकी। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.satluznews.com।